नमस्कार, जय जोहर। मैं हूं तपेश जैन और खबर चालीसा में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी हैं, उनके साथ में चिकित्सकों की टीम है, उत्कर्ष दीवान जी हैं, डॉक्टर अग्रवाल जी हैं, समद भाई कार्यकर्ता हैं और भी आभास से जुड़े हुए हमारे ये कार्यकर्ता हैं। आज एक प्रकोष्ठ के तहत में भारतीय जनता पार्टी रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, हम सब जानते हैं कि राजेश मोड़ा जी एक बड़ा कैंप लगाते हैं हर साल, जिसमें सारे देश भर के जो बड़े बड़े वरिष्ठ डॉक्टर होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं और हज़ारों की संख्या में, मैं ये कहूँ कि लाखों की संख्या में यहाँ की जो जनता है, क्षेत्र की जनता है, वो लाभान्वित होती है। क्षेत्र के अलावा रायपुर शहर की भी जनता होती है। डॉक्टर साहब से आज एक अभियान पर निकल रहे हैं कि जो 200 डॉक्टर इनके साथ में जुड़े हुए हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में और जो चिकित्सा प्रकोष्ठ में भाग लेते रहे हैं, तो वो शिविर में भाग लेते रहे हैं, उनसे जनसंपर्क करके एक समर्थन जुड़ाएंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आज किस तरीके का ये आप यात्रा शुरू कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, माननीय राजेश मोड़ा जी 2008 से एक बहुत वृहद शिविर रायपुर में लगाते आ रहे हैं और मेरे को यह बताने में खुशी भी होगी कि इस बार का शिविर इतना वृहद था कि उन्होंने 12 अवार्ड्स विश्व स्तरीय जीते हैं। इस प्रकार चिकित्सकों का बहुत बड़ा समूह एक सेवा के कार्य से उनसे भी जुड़ा है, जिससे रायपुर और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व में हुआ है। यह अकेले राजेश मूढ़त जी का नाम नहीं हुआ, रायपुर और छत्तीसगढ़ का नाम का विश्व में डंका बचा है। तो चिकित्सक राजेश मूढ़त जी के बहुआयामी प्रतिभा और उनकी जो सोच है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो चाहते हैं कि ऐसा विकास पुरुष बार बार चुन के आए, लोगों को शिविर का लाभ निकले। और आज ही हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री त्रिवेदी जी के जिला संयोजक त्रिवेदी जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि जिले की बॉडी है, हम सभी चिकित्सकों मिलेंगे और आह्वान करेंगे कि इस विकास पुरुष को अच्छे मतों से जिताएं कि जिससे पश्चिम एक आगे बढ़े और जो सेवा का कार्य उन्होंने लिया हुआ है चिकित्सा के दृष्टिकोण से वो भी आगे बढ़े। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए, जैसा जो राजेश मूढ़त जी का है, वो उनके पास जो भी विवाद है वो तो करते ही हैं, लेकिन जो आम जनता की सेवा के लिए जो वो लगातार विगत 10 वर्षों से कैंप लगा रहे हैं, हम चिकित्सकों को अवसर देते हैं कि हम उनकी सेवा कर सकें, तो आज ही हम चिकित्सकों को भी फर्ज भरता है कि हम जब सेवा का मौका आया है तो हम राजेश मूढ़त जी के लिए भी सेवा करें। तो इसी सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम पश्चिम विधानसभा में हमारे जितने भी चिकित्सक हैं उनसे हम संपर्क करेंगे और उन चिकित्सकों से आह्वान भी करेंगे कि आपके साथ जो भी मरीज या जो भी आसपास के लोग जुड़े हैं आप उनसे आह्वान करें कि राजेश मूढ़त जी को चुनकर जिताएं और दोबारा फिर से कमल खिलाएं। क्या कहेंगे समद भाई आप? मैं तो श्री राजेश मूढ़त जी के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे, जितने चिकित्सक हैं सब लोग राजेश मूढ़त जी के लिए बहुत भरकर प्रयास करके उनके जिताने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? चिकित्सा प्रकोष्ठ ने आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। सबके मन में सबसे पहले नाम आता है भाजपा, जो हर जन में स्वास्थ्य हो, मन को प्रसन्न रखने वाली हर अच्छाएं पूरी करती है वो। आज सभी 20 चिकित्सकों में मिलकर आप अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल खिलाएं, पुनः आए, बार बार आए। आप क्या कहेंगे आभास जी? हम कार्यकर्ता जो मंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनको जिताने के लिए पूरा पश्चिम में हम जो हमसे हो सकता है हम वो करेंगे और उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। ये अभियान यहाँ से शुरू हो रहा है और सभी जगह मिलकर ये अपना प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील करेंगे कि उसको राजेश मूढ़त जी को जिताएं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के साथ में।